Hello everyone, this is Jagriti and I'm an ACE certified dietitian and trainer. And today, I'm going to show you some home workout routines which you can do without any gym equipments in this quarantine time. So stay tuned and let's get started. Hello everybody, so jo workout hai aaj ka pehla, wo hai jumping jacks, full body workout hai. बॉडी भी वार्म अप हो जाती है. तो शुरुआत करते हुए एक बेसिक काउंट लेके चलूंगी जो कि है 30. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज डन. नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड वर्कआउट विच इज एन आर्म वर्कआउट. सो आर्म्स के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बॉटल्स से इंट्रोड्यूस कराया था, सो बॉटल्स के साथ शुरुआत करते हैं लैटरल रेज की. लैटरल रेज डेल्टॉइड वर्कआउट है, डेल्टॉइड कहते हैं इन्हें. सो मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगी बेसिकली साइड प्रोफाइल से पहले. सो यू हैव टू बेंड योर बैक अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, जो कि हम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट बैक. ओके, एंड लेग्स ठीक ठाक खुले रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. हिप थोड़ी बाहर, डंबल्स या बॉटल को सेंटर पे रखा और सेंटर से फ्लाई कराएंगे ऊपर की तरफ. तो फ्रंट प्रोफाइल से आप देख सकते हो. सो इट्स डन. नाउ कीप द साइड. वैसे 15 के आप रुक के एक सेट और भी कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. Now the second workout which I am opting is stepper. सीढ़ी का पहला flap जो बहुत ही important है. अच्छा, stepper ऐसी चीज है जो अगर किसी को knee issue है तो वो आराम से कर सकते हैं, कोई restriction नहीं है, क्योंकि knee पे किसी भी तरीके का जोर नहीं पड़ेगा. Also ankle पे भी अगर कोई किसी तरीके का pressure या आपको लगता है कि ankle twisted है या कुछ भी है तो भी आप इसे काफी हद तक कर सकते हो. बस ये एक लिमिटेशन एंगल के साथ ये हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा काउंट तक नहीं कर सकते हो. सो जो मैंने बेसिक काउंट रखा है 30 काउंट तक ये नहीं जा सकता है. सो अर्थराइटिस इश्यूज वाले कैन डू दिस. सो जिनको अर्थराइटिस है वो कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं, विल डू 30. ओके, सो पहले मैं फ्रंट प्रोफाइल से दिखा रही हूँ, फिर साइड प्रोफाइल से दिखाऊंगी. वन, मैं एक नॉर्मल स्पीड लेके चल रही हूँ. टू, ओके, सो नाउ स्टेपर को साइड करते हैं, आर्म वर्कआउट पे वापस से चलेंगे. सो वही मेरी दो बॉटल्स. अब आर्म में हमने डेल्टॉइड्स कर लिया, अब हम ट्रैक्स यूज करेंगे. तो फ्रंट रेजेस करेंगे इसके लिए. सो फ्रंट रेजेस के लिए सिंपल है, बॉटल्स को सामने की तरफ उठाना है. सो साइड प्रोफाइल से दिखाऊंगी मैं पहले. सो यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, बैक बिल्कुल सीधी, और बॉटल को रखा हाथ में, सीधा टर्न किए हुए थाइस की तरफ. एंड एक्सरसाइजेस भी हो गए हैं काफी हद तक. अब जो तीसरा एक्सरसाइज है फॉर योर लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्क्वाट्स, एंड दैट्स माय फेवरेट. सो स्क्वाट्स के लिए बेसिक कमांड्स ये होते हैं कि जो आपका शोल्डर है, जितना ब्रॉड आपका शोल्डर है उतने ब्रॉड आपके हिप जॉइंट्स भी होंगे. सो बेसिकली जॉइंट्स को चेक करेंगे पहले, शोल्डर इज दिस मच ब्रॉड और मेरे जो हिप जॉइंट है वो उतना ही ब्रॉडली ओपन होगा. उसके बाद जो नीज है वो आउटवर्ड ओपन होंगे लाइक दिस, ठीक है. एंड देन मैं स्लाइटली अपने लोअर अबडोमेन को अंदर की तरफ करूंगी, मींस पीछे की तरफ, हाथ सामने, और बैठूंगी. सो स्क्वाट्स आर डन. तीसरा वर्कआउट है उस पर चलते हैं. सो जो तीसरा वर्कआउट है वो है चेस्ट. सो चेस्ट अगर ज्यादा साइज में है, नॉर्मल साइज में है, या
मेल बॉडी में भी अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा है, सो यू कैन डू दिस वर्कआउट. तो बेसिकली क्या करना है, अगेन सेम टू बॉटल्स को होल्ड करना है सामने की तरफ ऐसे, एंड एल्बो रहेंगे स्ट्रेट, ड्रॉप नहीं रहेंगे, स्ट्रेट. और ये सामने किया और खोला पीछे की तरफ. रिलैक्स. सो आर्म वर्कआउट भी हो गया. अब फोर्थ एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी, लो बॉडी बेसिकली. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज वी हैव टू लिफ्ट अप आर्म अप इन द एयर एंड वी आर गोइंग टू टच आवर लेग लाइक दिस. वन. सो जैसा कि आप देख रहे हो, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को टच कर रहा है. कोशिश करिएगा नी स्ट्रेट करें. सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो लेट मी नो कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं. सो ये वर्कआउट को फॉलो करेंगे अगर रोज, यू विल गेट द रिजल्ट. All you have to do is, अगर आपको अपने वर्कआउट में प्रोग्रेशन चाहिए, मीन्स रिजल्ट चाहिए, तो बेसिकली स्टैमिना बिल्डिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि हर वीक में आप काउंट्स को इंक्रीज करो, चाहे 10-10 चाहे 20-20 पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज को लेके. सो आई होप यू लाइक इट एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट.